जिला कारागार में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने जेल रेडियो गोरखपुर लाइव का फीता काटकर शुभारंभ किया। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने आश्वासन दिया कि हर क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रतिदिन कारागार पर आकर बंदियों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। विधि, न्यायिक, योग, पुनर्वास, मनोरंजन आदि के विशेषज्ञ बंदी से प्रतिदिन सीधा संवाद होगा तथा बंदियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी होगा। जेल रेडियो के शुभारंभ में आकाशवाणी गोरखपुर में एंकर अमृता धीर मल्होत्रा का संचालन एवं प्रस्तुति में सराहनीय योगदान रहा है। तकनीकी सहयोग में इंजीनियर रवि मौर्य, कन्हैया लाल व राजीव शर्मा का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञ के सहयोग से जेल रेडियो के अपग्रेडेशन तथा उपयोगी कार्यक्रमों के निरंतर जारी रखने पर जोर दिया। इस अवसर पर जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, उप जेलर विजय राय, विश्वनाथ पांडे, अश्विनी कुमार उपाध्याय, अमित श्रीवास्तव, कृष्णा कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रेडियो जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, इस रेडियो का उद्देश्य यही है कि आपके बीच में जो 10 हमारे पीएलबी रहेंगे वो पहुंचा करेंगे। आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पाती, हम तक तो उनके माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं। हमारे जज साहब भी हैं, सीजीएम साहब भी हैं, इनके माध्यम से पहुंचाए, नहीं तो आप अपनी बात रेडियो के माध्यम से, चाहे अधीक्षक महोदय के माध्यम से हम तक पहुंचाए। हम एक नंबर भी देके जा रहे हैं, आपको यहां से वो बात भी करा दिया करेंगे और आप प्रत्येक दिन आपको यहां से संबोधन होगा, आपके पास एक व्यक्ति जाएगा, आपकी जो भी समस्या है मुकदमे से संबंधित, जमानत से संबंधित, वकील से संबंधित, आपका वकील नहीं हो क्योंकि भारत का संविधान से बड़ा कुछ है जिस हिसाब किताब के तहत मैं हूं वह है परमा अगला जन्म। चलो मान लिया, आप में से कितने लोग अगला जन्म पिछला जन्म देखे हैं? नहीं देखे हैं ना, लेकिन मान लेते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, इसलिए मान लेते हैं। लेकिन एक बात सही है, मुझे भी नहीं मालूम अगला जन्म पिछला जन्म, मैंने भी नहीं देखा है कि कुछ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिसाब किताब करता जरूर होगा, नहीं तो मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का कोई दोषी ही नहीं है। जिसने जन्म नहीं लिया, जिसने कोई कर्म ही नहीं किया, वो सही क्या, गलत क्या, दोषी क्या, निर्दोष क्या, अपराधी क्या, निर्दोष क्या, उसको सजा क्यों देती है? तो एक बात तो सही, मेरी ड्यूटी है, मेरा भी कोई हिसाब किताब कर दिया है, उसी हिसाब किताब के तहत मैं दौड़ रहा हूं। छोटा सा एक प्रयास कि आप डेली मुझसे न मिल सको तो भी आपकी बात मुझ तक पहुंच सके। आप एक रेडियो जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, इस रेडियो का उद्देश्य यही है कि आपके बीच में जो 10 हमारे पीएलबी रहेंगे वो पहुंचा करेंगे। आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पाती, हम तक तो उनके माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं। हमारे जज साहब भी हैं, सीजीएम साहब भी हैं, इनके माध्यम से पहुंचाए, नहीं तो आप अपनी बात रेडियो के माध्यम से, चाहे अधीक्षक महोदय के माध्यम से हम तक पहुंचाए। हम एक नंबर भी देके जा रहे हैं, आपको यहां से वो बात भी करा दिया करेंगे और आप प्रत्येक दिन आपको यहां से संबोधन होगा, आपके पास एक व्यक्ति जाएगा, आपकी जो भी समस्या है मुकदमे से संबंधित, जमानत से संबंधित, वकील से संबंधित, आपका वकील नहीं हो क्योंकि भारत का संविधान से बड़ा कुछ है जिस हिसाब किताब के तहत मैं हूं वह है परमात्मा ईश्वर अगला जन्म। चलो मान लिया, आप में से कितने लोग अगला जन्म पिछला जन्म देखे हैं? नहीं देखे हैं ना, लेकिन मान लेते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, इसलिए मान लेते हैं। लेकिन एक बात सही है, मुझे भी नहीं मालूम अगला जन्म पिछला जन्म, मैंने भी नहीं देखा है कि कुछ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिसाब किताब करता जरूर होगा,
नहीं तो मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का कोई दोषी नहीं है। जिसने जन्म नहीं लिया, जिसने कोई कर्म ही नहीं किया, वो सही क्या, गलत क्या, दोषी क्या, निर्दोष क्या, अपराधी क्या, निर्दोष क्या। गोरखपुर में 17 और 18 फरवरी को 47 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस भर्ती की परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि जनपद में 17 व 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा है, जिसमें 1,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। यह परीक्षा 47 केंद्रों पर आयोजित हो रही है और सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी लगा दिया गया है, जिसकी जिले स्तर के साथ प्रदेश स्तर पर भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर 200 मीटर की एरिया में कोई भी गार्जियन या कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, जिससे कि परीक्षा बाधित ना हो। उन्होंने बताया कि परीक्षा शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, इसलिए मेरा सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और चेकिंग करवाकर समय से एंट्री कर लें। उन्होंने बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं और भारी मात्रा में पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। यदि आपको किसी तरह की सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। मुझे उम्मीद है कि यह परीक्षा सकुशल संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, वो कुल 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसमें करीबन 1,00,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। 47 केंद्रों पर ये परीक्षा हो रही है, उन सभी केंद्रों पर पुलिस के स्टैटिक मजिस्ट्रेट के विभिन्न प्रकार की जो ड्यूटियाँ हैं वो लगा दी गई हैं। सभी केंद्र हैं वो सीसीटीवी से आच्छादित हैं। 200 मीटर की परिधि में कोई भी उनके कोई पेरेंट्स या कोई वो इस तरह के लोग नहीं रहेंगे, जिससे कि परीक्षा बाधित हो। लोग परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे, तो सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि वो परीक्षा स्थल पर एग्ज़ाम शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुँचें और अपना फिस्किंग और चेकिंग करवाने के बाद समय रहते एंट्री करें। आधे घंटे परीक्षा से पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे और गेट बंद होने के बाद किसी को कोई किसी प्रकार की एंट्री नहीं मिलेगी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था भी चाक चौबंद रहे, उसके लिए ट्रैफिक की भी ड्यूटियाँ लगाई गई है और लॉ एंड ऑर्डर भी की भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, उसके लिए भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। किसी प्रकार की भ्रामक सूचना पर विश्वास ना करें, ध्यान ना दें, किसी अफवाह पर विश्वास ना करें और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है आप तुरंत हमारे CUG नंबर या किसी भी पुलिसकर्मी हैं उसके पास में उसको ज़रूर बताएँ। इस तरह की सूचना पर तुरंत अमल किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परीक्षा है वो पूरे जनपद के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए अच्छे से सफल होगी और हम सब लोग के लिए जो एक जो चैलेंज है वो बिना किसी समस्या के संपूर्ण होगा। सभी 47 जो सेंटर हैं उन सब पे 47 स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं, उन सभी पे जो सेंटर्स हैं उन पे सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर CO और उड़न दस्ते की भी टीमें हैं। 4 उड़न दस्ते की टीमें हैं जो CO's के नेतृत्व में बनाई गई है, तो वो सभी लोगों की ड्यूटी ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। सभी जगह CCTVs हैं, ऑलरेडी वेरीफाई कराए जा चुके हैं। चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी जो है जिम्मेवारी है वो गोरखपुर पुलिस की होगी। और पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा महाप्रबंधक सौम्या माथुर की अध्यक्षता में प्रेक्षागृह में 68वां रेलवे सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यहां पर 68वां रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 57 रेल कर्मचारियों को विशिष्ट रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे की गौरवशाली यात्रा पर एक छोटी लाइन की पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के सभी कर्मचारी व अधिकारी आए हुए हैं, जिनको अलग अलग उत्कृष्ट कार्यों के लिए गया है। इससे रेल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ले चलो। दीप प्रज्वलित होता है वो उचाला चारों महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे।
शुरू हुई, कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म हुए और छोटी लाइन बड़ी लाइन कैसे बनती है। बचपन से हम लोग सुनते आते थे कि छोटी लाइन को बड़ी बनाना है तो उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें कैसे हुई, ये सब कुछ इस बुक के माध्यम से हम लोग जान सकेंगे, समझ सकेंगे। कुछ ही क्षणों में इसका विमोचन होगा, कृपया इसको आगे बढ़ें स्लाइड। इसमें कुल 15 अलग अलग चैप्टर हम लोगों ने लिखे हैं। द जेनेसिस, कैसे इसकी शुरुआत हुई, आगे बढ़ें। इस क्षेत्र में जब उस समय में अकाल पड़ा हुआ था और वहाँ राशन पहुँचाने का कोई भी ट्रांसपोर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। 1880 में कैसा दिखता था उसका सिस्टम मैप देख सकते हैं, 1890 में क्या चेंजेज हुए, 1900 में थोड़ी सी विजिबिलिटी इसकी लो है क्योंकि फोटोग्राफ जो है यहाँ पे उसका पिक्सल नहीं बढ़ाया जा सका समय की कमी के कारण। पूर्वोत्तर रेलवे में ढेर सारे डेड एंड्स हैं, चाहे वो डेड एंड्स पहले हुआ करते थे ब्रॉडगेज लाइन की वजह से या फिर कई बड़े ब्रिजेस नदियां थी इस क्षेत्र में जहां ब्रिज नहीं बनाए जा सके थे, तो उस समय हम लोग पानी के जहाज से, रेलवे का टिकट पूरा थ्रू होता था, पानी की जहाज हमारी अपनी होती थी और एक स्थान से पहुंचते थे और वहां से न सिर्फ हम यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करते थे बल्कि वैगन से भी ट्रांसपोर्ट करते थे फेरी के माध्यम से। तो वे ये था कि फेरी सर्विसेज के माध्यम से कैसे हम लोगों ने इस गैप को भरा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया जा रहा है इस आधुनिक प्रेक्षा गृह में। यहाँ पे महाप्रबंधक जो पूर्वोत्तर रेलवे के हैं सुश्री सौम्या माथुर जी, उनके द्वारा 57 रेल कर्मियों को विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया और इससे इसके साथ ही जो विभागीय जो अलग अलग विभाग हैं जो अच्छा कार्य करते हैं उनको भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाता है, उनका चुनाव होता है जिससे आपस में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। और इसके साथ ही एक जो पूर्वोत्तर रेलवे के ऐतिहासिक यात्रा पर, गौरवशाली यात्रा पर एक बुक लिखी गई छोटी लाइन, उसका भी विमोचन किया गया है। इस पुरस्कार के लिए पूरे जोनल रेलवे से हर स्तर के कर्मचारी अधिकारी आए हैं, जिससे कि जिनको चुना गया है उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जिन्होंने संरक्षा के क्षेत्र में, रेलवे की उत्पादकता बढ़ाने के क्षेत्र में, रेलवे के विस्तार विकास इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने नवोन्मेषी कार्य किए हैं, मतलब न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं, तो सभी तरह के क्षेत्रों में लोगों को चिन्हित किया गया, चुना गया और उन सभी को यहाँ सम्मानित किया गया है। और इससे जो है न सिर्फ मनोबल बढ़ता है बल्कि और अच्छा करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो इस अवसर पर मैं पूर्वोत्तर रेलवे परिवार की ओर से सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। JPM कॉलेज गीडा में 2024 एलुमिनाई मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे न्यू दिल्ली के AICTE के सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने उद्गम पुस्तक का विमोचन किया, जिसके संबंध में प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि यहां एलुमिनाई मीट पर आया था जिसमें विभिन्न कॉलेज के बच्चे आए हुए थे। उस प्रदर्शनी में जो नवाचार लगाए गए थे वह आदमी के जीवन से जुड़े हुए थे। उन नवाचारों से आइडिया लगता है कि देश का बच्चा किस देश को आगे ले जाने में कार्य कर रहा है। यह बहुत ही बड़ी सीख है यहाँ देखने को मिलती है। यह बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों से सभी छात्रों को अवगत कराया गया है जिससे सभी छात्र जागरूक हो सके। इस अवसर पर KIPM कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर RD सिंह, सुनीता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। KIPM परिवार को स्नेहिल आशीर्वाद बरसाने वाले परम पूजनीय चेयरमैन साहब, परम आदरणीय प्रबंधक श्रीमती सुनीता मैडम, आदरणीय VV सिंह जी, अलख राय जी,
सभी निदेशक गण, सभी शिक्षक गण, आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों, पुरातन एवं नवीन छात्र एवं छात्राओं, आज आपकी गरिमामय उपस्थिति KIPM परिवार के इस वार्षिक समारोह पुरातन छात्र सम्मेलन समारोह को विशेष बनाएगी। आपके द्वारा दिया जा रहा मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर राजीव कुमार जी, मेंबर सेक्रेटरी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली, विलक्षण मेधा संपन्न व्यक्तित्व, आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन में MAU, IIT दिल्ली से PhD की उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत आपने वर्ष 1990 में DCR यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा को अपनी सेवाएं प्रदान की। आपकी अनुसंधान रुचि के क्षेत्र गणितीय कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इमेज प्रोसेसिंग है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और भारत एवं विदेशों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपने अमेरिका, कनाडा, चाइना, मलेशिया के कई विश्वविद्यालयों का दौरा भी किया है। हे मनीषी, पूर्वांचल के अग्रणी शिक्षा संस्थान KIPM गोरखपुर में आपके सौभागमन से हमें अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। Request him to deliver a speech on this occasion. Shri Vinu Singh Ji, Managing Director of the group, Professor B.B. Singh, Professor Alok Roy, and Dr. M.Z.R. Khan, Director of the Institute, respected faculty members, and my dear students. First of all, I thank the management for giving me an opportunity to share what we are doing at AICT and to understand the work done by the students here in various fields. Thank you very much, sir. मैं एक ऐसी संस्था से आता हूं जो देश में तकनीकी शिक्षा के लिए कार्य करती है। पहले इसको एक रेगुलेटर कहा जाता था, लेकिन अब इस संस्था ने अपने आप का रोल चेंज करके ये एक फैसिलिटेटर के रूप में अब कार्य करती है। और विगत वर्षों में संस्था ने अपने कार्यशैली किस तरीके से इंस्टीट्यूट को मेंटर किया जा सकता है, इसमें काफी कार्य किया है। और ये कार्य केवल संस्थानों के लिए नहीं है, इसमें फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारा कार्य हुआ है। मैं आपके सामने कुछ छोटा थोड़ा थोड़ा कार्य रखूंगा, बताऊंगा कि आप किन किन इन कार्यों से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। का यूज करके चाहे सिक्योरिटी का हो, उसको उन्होंने एक छोटे छोटे मॉडल उन्होंने बनाए, बच्चों ने जो वर्किंग मॉडल थे, ये छोटे छोटे मॉडल कल जाकर एक बहुत बड़े आविष्कार का, बहुत बड़ी खोज का, बहुत बड़े इन्वेंशन का कारण बनने वाले हैं। हमारा आपका जो फैकल्टी है, हम लोगों का कर्तव्य ये है कि इन बच्चों को किए गए प्रयासों को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए फंडिंग की भी आवश्यकता होती है, किस तरीके से हम फंडिंग के लिए इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये चीज AICT, MIC के माध्यम से, अपने इनोवेशन काउंसिल्स के माध्यम से बच्चों को, संस्थानों को इसकी काउंसलिंग करती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए न्यू दिल्ली के AICTE के सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा, अलुमनाई मीट और एनुअल डे फंक्शन के इनॉग्रेशन के लिए आया था। एक संस्थान में बच्चों के द्वारा इनॉग्रेशन से पहले एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। वो प्रदर्शनी कॉलेज के बच्चे
और आसपास के स्कूलों के बच्चों ने मिलकर लगाई थी। उस प्रदर्शनी में जो नवाचार दिखाए गए थे वो आदमी के रियल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए थे, और उन नवाचारों में से ये आइडिया लगता है कि देश के दूरस्थ जगह में बैठा हुआ बच्चा किस तरीके से इनोवेशन को आगे ले जाने में प्रयास कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी सीख और एक बड़ा चीज़ देखने को आज यहाँ मिली। और सारे के सारे जो नवाचार बच्चों ने लगाए हुए थे, चाहे वो नेचर से जुड़े हुए हों, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं को लेकर जुड़े हुए हों, ये एक बच्चों ने उनको प्रदर्शित किया हुआ था। और उन बच्चों के अंदर जो एक उत्साह ये था कि साहब हम इन नवाचारों को आगे के लेवल पर किस तरीके से कॉमर्शलाइज किया जा सकता है, उसके बारे में भी बच्चों ने सोचा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैंने जो एल्यूमनाइज हैं और संस्थान के बच्चे हैं उनको एनुअल डे पे एड्रेस किया। मैंने उनको भारत सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों, AICTE द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया। और संस्थान से मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जिस तरीके छात्रों की सोच है, संस्थान के छात्रों की सोच है, एक ये संस्थान आगे जाने वाले समय में एक प्रबुद्ध संस्थान जरूर बनेगा, ऐसा मेरा आशा है और मेरा विश्वास है। ये बच्चों ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि नवाचार के माध्यम से मैंने देखा कि जो टैलेंट है और जिस तरीके से बच्चों की सोच है, वो एक ऐसी सोच है कि जिससे नॉर्मल आदमी के, सामान्य आदमी के जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके जीवन में कैसे सुधार लाया जा सकता है, एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में सारे के सारे नवाचार थे। एक नई बात जो है मैंने यहाँ के बच्चों में देखी, और मुझे उम्मीद है कि पूर्वांचल के बच्चे आने वाले टाइम में एक नया आयाम जरूर क्रिएट करने वाले। क्या यानी विद्यालय के बच्चे भी यहाँ के बच्चों से सीख लेनी चाहिए? अवश्य लेनी चाहिए, और यही नई शिक्षा नीति का प्रयास भी है कि हम सब मिलकर काम करें, टीम वर्क में काम करें, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करें। ये नई शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा प्रयास भी है। किस तरीके से कार्य कर रही है, आपने नए नवाचार भी देखे, तो आप क्या देखते हैं इन सब चीज़ों में? एक संस्था, मुझे नवाचार देखने से लगा कि बच्चों को एक इन टाइप के सोचने का एनवायरनमेंट इस संस्थान में मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात, संस्थान को एक स्पेस देना चाहिए बच्चों के लिए कि जिससे वो डिफरेंटली किसी भी चीज़ को सोच सकें। और बच्चों को नवाचार को देख के मुझे लगा कि इस तरीके का स्पेस इन बच्चों को इस संस्थान में मिल रहा है। तो मुझे एक आशाएं और अपेक्षाएं इस संस्थान के बच्चों से मुझे आगे बहुत जगी। धरिया थाना क्षेत्र में युवक की चाकू से गोदकर की गई हत्या। हमलावरों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार वार किए हैं, उसके बाद उसके हाथ की कलाई भी काट दी। हत्या की वजह जुआ खेलने में विवाद को बताया जा रहा है। पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि मृतक पीयूष का दोपहर में विवाद हुआ था, उसने कुछ लड़कों को पीट दिया था, बाद में रात में फिर जुआ खेलने के दौरान विवाद हो गया। लोगों का कहना है कि उन्हीं लोगों ने हत्या की है। वही इस संबंध में SP नॉर्थ ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इसमें कुछ लोगों का नाम सामने आया है और पुलिस की पूछताछ जारी है। उनका भी जयप्रकाश सिंह नाम है। दोनों लोगों का? दोनों लोगों का। जयप्रकाश सिंह है कि नहीं? अभी उनको पाली मारा है, वो उनको लग रहा है। मूल निवासी इनका है कि हमारा? हमारा। आपकी माता जी मर गई हैं? हमारा मूल निवासी और आपके पति मर गए हैं? कमेश्वर उपाध्याय वाला। तीनों का मूल निवास भाटपरानी है। ये तो यहीं की है। हाँ, हमारे, हमारे। ये